हेलो फ्रेंड्स, ये ज्योति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस प्रेगनेंसी वीडियो में हम जानेंगे आप ये कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको जो ब्लीडिंग हो रहे हैं वो प्रेग्नेंट होने का संकेत दे रहे हैं या फिर पीरियड का संकेत दे रहे हैं, यानी आपको जो ब्लीडिंग हो रहे हैं वो प्रेगनेंसी के हैं या फिर पीरियड के हैं। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो में आगे बढ़ते हुए, अगर आपने अब तक इस चैनल से ज्योति को सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे इस चैनल पर आगे आने वाली हर प्रेगनेंसी वीडियो आप देख सकें। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, उन्हें ब्लीडिंग होते हैं और उन्हें लगता है कि वो पीरियड के ब्लीडिंग है। वहीं कई बार ऐसी महिलाएं जो प्रेगनेंसी कंसीव करने का बहुत ही दिनों से इंतजार कर रही होती हैं, उन्हें अगर ब्लीडिंग है तो वो उसे इम्प्लांटेशन का ब्लीडिंग समझ लेती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे कि ब्लीडिंग को देखकर आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको जो ब्लीडिंग हो रहे हैं वो पीरियड वाले हैं या फिर इम्प्लांटेशन के ब्लीडिंग है, यानी प्रेगनेंसी कंसीव करने की ब्लीडिंग है। फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीरियड में आने वाला ब्लीडिंग कैसा होता है और उस वक्त आपको कैसा महसूस होता है। पीरियड में जो आपको ब्लीडिंग आते हैं वो काफी ज्यादा हैवी होते हैं, उसमें ब्लड के थक्के आते हैं, उसका कलर डार्क होता है और ब्लीडिंग आने से एक दो दिन पहले या एक दो घंटा पहले भी आपके पेट में या कमर में दर्द हो सकता है, आपके जांघों में दर्द हो सकता है, यहाँ तक कि पूरे बॉडी में भी दर्द हो सकता है। पीरियड वाला जो ब्लीडिंग आता है, पहला तो वो बहुत ही डार्क होता है और दूसरा और वो कम से कम 5 से 7 दिन रहता है। कुछ कुछ लोगों को 3 दिन भी रहता है, लेकिन ज्यादा करके 5 से 7 दिन रहता है। अगर आपको पीरियड वाली ब्लीडिंग हुई होती है, पीरियड आने से पहले आपको पेट में, कमर में, जांघों में या फिर पूरे बॉडी में जो हल्का फुल्का दर्द रहता है या फिर बहुत तेज दर्द भी रहता है, वो पीरियड आने के बाद भी 2 से 3 दिन तक बना रहता है। लेकिन अगर आपको इम्प्लांटेशन वाली ब्लीडिंग हुई है, यानी प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद भी कुछ महिलाओं को ब्लीडिंग होते हैं, तो अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने वाली ब्लीडिंग हुई है तो ये ब्लीडिंग बहुत ही कम होते हैं, 1 से 2 दिन होते हैं, या फिर किसी किसी महिलाओं को ये ब्लीडिंग बस 1 घंटे के लिए ही होते हैं। इस ब्लीडिंग में बहुत ही हल्का ब्लड आता है और इस ब्लड का कलर बहुत ही हल्का होता है। इस ब्लड का कलर हल्का पिंक होता है या फिर हल्का भूरा भी हो सकता है। इसके अलावा ये ब्लीडिंग बहुत ही कम होता है, स्पॉट की तरह होता है। कभी कभी तो इस ब्लीडिंग का पता आपको तभी लग पाता है जब आप यूरिन पास करने के लिए वॉशरूम में जाते हैं। ये ब्लीडिंग इतना कम और इतना हल्का होता है कि कभी कभी पता ही नहीं चल पाता कि आपको ब्लीडिंग हो रहे हैं। साथ ही इस ब्लीडिंग में ब्लड के थक्के भी नहीं आते हैं। और जब आपको प्रेगनेंसी वाले ब्लीडिंग होते हैं, यानी इम्प्लांटेशन वाले ब्लीडिंग होते हैं, तो ब्लीडिंग होने से पहले या तो आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द होंगे या फिर पेल्विक एरिया में दर्द होंगे, और ये दर्द ज्यादा तेज नहीं होते, हल्के दर्द होते हैं, और जैसे ही आपको ब्लीडिंग आ जाते हैं ये दर्द तुरंत खत्म हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, पीरियड के ब्लीडिंग में और प्रेगनेंसी कंसीव करने के ब्लीडिंग में यही अंतर होते हैं कि अगर आपको पीरियड के ब्लीडिंग होते हैं तो वो बहुत ही हैवी ब्लीडिंग होते हैं, उसका रंग डार्क होता है, उसमें ब्लड के थक्के आते हैं, वो ब्लीडिंग आपको 5 से 7 दिन रहते हैं, और ब्लीडिंग होने से पहले अगर आपको पेट में, पीठ में, प्राइवेट पार्ट में, जांघों में या पूरे बॉडी में दर्द हो रहे होते हैं तो वो ब्लीडिंग होने के 2-3 दिन बाद तक रहते हैं। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है और आपको प्रेगनेंसी कंसीव वाले ब्लीडिंग आ रहे हैं तो ये ब्लीडिंग 1 से 2 दिन ही रहते हैं, किसी किसी को 1 घंटे ही रहते हैं। ये ब्लीडिंग बहुत ही कम होते हैं, कभी कभी ब्लीडिंग स्पॉट की तरह होकर रह जाते हैं। इस ब्लीडिंग का कलर बहुत ही हल्का रेड होता है। इस ब्लीडिंग में ब्लड के किसी प्रकार के कोई थक्के नहीं आते और इस ब्लीडिंग से पहले होने वाला पेट दर्द या पेल्विक एरिया का दर्द ज्यादा तेज दर्द नहीं होता है और जैसे ही ब्लीडिंग आ जाते हैं ये दर्द तुरंत समाप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स, बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए आप इस बात का आसानी से पता लगा सकती हैं कि आपको जो ब्लीडिंग हो रहे हैं वो पीरियड की ब्लीडिंग है या फिर प्रेगनेंसी कंसीव करने की ब्लीडिंग है। फ्रेंड, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए प्रेगनेंसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।